तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 विज्ञान और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पूरी किताब जो है आपकी 18 के 18 पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ NCERT के, CBSE, HBSE यानी दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और भी काफ़ी सारे बोर्ड है जहाँ पे आपकी NCERT की बुक चलती है। तो जहाँ पे भी चलती है उन सारों के जो है मिला के मैंने पेपर वगैरह देखे हैं कई सारों बोर्ड्स के, तो उनमें मैंने जो है एवरेजली कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिक किए हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगभग हर एक बोर्ड में आने के चांसेस हैं। तो आप उनको अच्छे से पढ़ लेना। इस वीडियो में आपको एक अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। और अगर आप इसको करते हो तो आप जो है हमारी सारी वीडियोज अगर 8वीं साइंस की देखते हो, 8वीं विज्ञान की, तो आपको वादा है मेरा कि आपका जो है एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता। चलो अभी शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। पहला पाठ आ रहा है हमारे पास में फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है। तो इस पाठ के अंदर से क्या क्या महत्वपूर्ण है, एक तो देखो खरीफ फसल क्या होती है, रबी फसल क्या होती है, ये आ सकता है। इसके जो है इस वीडियो के पहले ही बता देता हूँ, इसके दो भाग बनेंगे, दो हिस्से बनेंगे इस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वाली में। एक में 9 पार्ट एक में होंगे और 9 बाकी के एक में कराऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दो हिस्से इसके होने वाले हैं। तो पहला पार्ट में से देख लो, खरीफ फसल और एक रबी फसल, ये दो आने वाली हैं। खरीफ फसल क्या होती है, जो हमारी जो है वर्षा ऋतु में जो है उगाई जाती है और जून सितंबर तक, ठीक है ना, जून सितंबर में काट ली जाती है, तो वो फसल, ठीक है, जैसे सोयाबीन, धान, मक्का, वो सारी चीज़ें, तो उसको खरीफ फसल बोलते हैं। वैसे ही जो है दूसरी होती है रबी फसल, इसकी उल्टी होती है, उसको जो है सर्दियों में उगाया जाता है और जो है गर्मियों में काटा जाता है, जैसे गेहूं, मटर, चना, तो ये सारी रबी फसलें आती हैं। तो खरीफ फसल और रबी फसल, और हम बता दूँ, पहले ही बता दूँ कि ये जो है मैंने लिख रखे हैं PDF के रूप में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिखे हुए पढ़ भी सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन का लिंक जरूर चेक कर लेना उसके लिए। तो यहाँ पे से ये दो प्रश्न आ रहे हैं, रबी फसल और खरीफ की फसल, ठीक है। उसके बाद में अगर आप आगे आते हो तो आगे आप देखोगे कि यहाँ पे दो फर्क आते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, खाद क्या होता है, ये जो अंतर है ये भी बहुत बार पूछा गया है, उर्वरक क्या होते हैं, खाद क्या होते हैं। फर्क बस इतना सा है, खाद जो है एक प्राकृतिक है, मतलब जैसे गोबर होता है उससे बना दिया जाता है, लेकिन वहीं पे उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक जमीन की उर्वरकता को, पहले तो मतलब ऐसे लगेगा पौधा अच्छा चल रहा है लेकिन उसके बाद में जमीन की उर्वरकता को कम कर देते हैं, लेकिन खाद ऐसा नहीं करते। इनमें दोनों के अंदर जो है अच्छी खासी मात्रा में हमें जो है उर्वरक मतलब उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो अच्छी खासी मात्रा में दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है। अब अगला आता है और यहाँ पे इसी पाठ के अंदर तीसरा आ सकता है आपका, वो है सिंचाई। सिंचाई के दो कई माध्यम हमारे पास में, एक तो देखो इनमें से ड्रिप तंत्र और एक आता है छिड़काव तंत्र। दोनों आसान है, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र दोनों को कर लेना, छोटे छोटे हैं। ड्रिप तंत्र के अंदर क्या होता है कि पानी जो है मतलब पेड़ के पास में पाइपें लगा दी जाती है, फोटो देखो ऐसा कुछ, तो वो पाइपों से पानी रिसता रहता है, बूंद बूंद करके गिरता रहता है ज़मीन के ऊपर और उसी से पेड़ को मतलब नमी मिलती रहती है और पेड़ जिंदा रहता है। और दूसरे में छिड़काव तंत्र में पानी को फव्वारों की मदद से छिड़का जाता है। तो इस पार्ट से बस इतना ही है जो आ सकता है आपका ज़्यादा खास, ठीक है, ज़्यादातर इसी इन्हीं 4-5 क्वेश्चनों में से आ जाएगा आपका। अब मैं ऐसा नहीं है, देखो आप बोलोगे भाई पार्ट में से एक एक दो दो क्वेश्चन बता दो, तो नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई सारे बोर्ड हैं, हर एक बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है, किसी में क्वेश्चन किसी तरीके से आते हैं, और अगर सारे जो जो बताऊँगा उनको करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा यार, मतलब फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं विज्ञान से जो छूट जाएंगी, लेकिन खास तौर पर जो चीज़ें हैं वो अगर आप कर लेते हो तो आराम से पास हो जाओगे। दूसरे प्रश्न पे आ जाओ, दूसरा प्रश्न सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, ठीक है, ये है हमारे पास में। और ये जो है इस पार्ट से आ सकता है आपका, जो है इसमें से क्या आ सकता है, इसमें से आपका आने के चांसेस क्या क्या है। तो इसमें से पहले तो देखो शुरुआत वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें से, कि सूक्ष्म जीवों को किस पे मतलब क्या क्या नाम है, कैसे बांटा गया है, चार है हमारे पास में, चार वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा और शैवाल, ठीक है, इनको ऐसे बांटा गया है चार हिस्सों में। तो इन चार हिस्सों का पता होना चाहिए आपको इस पार्ट से, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, ठीक है। उसके बाद में विषाणु भी होते हैं, एक अलग चीज़ होती है विषाणु, जो कि शरीर से बाहर जाने के बाद में मर जाते हैं, जिसको हम वायरस के नाम से जानते हैं, तो वो चीज़ भी होती है।
अब ये दो ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती है, ये इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पे जो है एक टेबल बना रखी है इन लोगों ने कि ये बीमारी किसकी वजह से फैलती है, मतलब विषाणु जीवाणु क्या होता है, कैसे ये बीमारी फैलती है। तो इनमें से एक बीमारी का नाम कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आमतौर पर कौन सा पूछा जाएगा, एक तो जो है खसरा, ठीक है, खसरा, हेजा, ठीक है। खसरा देखो, खसरा जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, पोलियो भी वायरस की वजह से होता है, हेजा जो है जीवाणु की वजह से होता है। आमतौर पर आपको खसरा और हेजा याद रखना है, खसरा जो है आपका वायरस की वजह से और हेजा जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है। इस पार्ट से बस इतना ही कर लेना, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं। लेकिन अगर आप आगे आते हो इस पार्ट में, थोड़ा सा एक चीज़ और है जो आने के चांस रहेंगे, अगर आता है ये प्रश्न तो 5 नंबर में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है, आएगा तो 5 नंबर में आएगा। नाइट्रोजन चक्कर, उसको डायग्राम बनाना है, फोटो देखो ऐसा होता है, तो नाइट्रोजन चक्कर का डायग्राम बनाना आपके पेपर में आ सकता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, फोटो देख सकते हो आप, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या होता है, अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, मतलब भूल जाते हो चीज़ों को, तो आप ऐसा कर सकते हो कि क्या होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है हमारी हवा, हवा से नाइट्रोजन जो है मिट्टी पौधे खींच लेते हैं, मिट्टी में बारिश की वजह से नीचे आती है और पौधे फिर मिट्टी से खींचते हैं और जो है नाइट्रोजन से अपनी आहार लेते हैं, खाना बनाते हैं, फिर उसको हम लोग खाते हैं और हम लोग फिर उसको जो है कहीं और फेंक देते हैं, गैस से निकल जाती है, गैस बन के उसके बाद में जो है फिर से वापिस नीचे आती है, ऐसे चलता जाता है इनका, ठीक है। तो ये आप कर लेना, नाइट्रोजन चक्कर को जरूर से कर लेना इस पार्ट से। नाइट्रोजन चक्कर अगर आता है तो 5 नंबर में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन चक्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पार्ट से, तो इसको भी जरूर से कर लेना। अब आगे चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में आता है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। तो देखो इसमें नायलॉन का जो है, जो नायलॉन के बारे में, नायलॉन क्या है, नायलॉन कैसे, नायलॉन के कपड़ों के बारे में बताइए, रस्सियाँ बनती हैं, पैराशूट बनते हैं, और एक सबसे मजबूत और एक हल्का कपड़ा नायलॉन का होता है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नायलॉन को अच्छे से तैयार कर लेना इस पार्ट से, ठीक है। और उसके बाद में आता है, आगे चलते हैं तो आगे क्या आता है, आगे जो है ये दो प्रकार की प्लास्टिक आती है, एक आती है थर्मो प्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो एक बार सेट हो गई तो फिर दोबारा उसका आकार हम बदल नहीं सकते, जैसे कि आपके बिजली के बोर्ड, कुकर के हैंडल, ठीक है, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक प्लास्टिक जो थर्मो प्लास्टिक है उसको पिघला के हम दूसरी आकृति दे सकते हैं, जैसे बोतलें वगैरह हो गई, ठीक है, उनको पिघला के कुछ दूसरी आकृति भी हम दे सकते हैं। ये अंतर भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं बताना होता आपको, दो ही पॉइंट होते हैं, दो दो पॉइंट बनेंगे दोनों के, एक एक पॉइंट में तो उदाहरण हो जाएगा दोनों तरफ, और एक में जो आपको इनकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। अब अगले पार्ट पे आ जाओ, चौथा पार्ट है आपका। चौथे पार्ट के अंदर धातु, अधातु, ठीक है, इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर धातु के गुण, ठीक है, धातु के गुण पूछे जा सकते हैं आपसे, धातु और अधातु में क्या अंतर होता है ऐसा पूछ लेंगे, या फिर धातु के गुण, बात एक ही है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, तारकत्व है, आघात वर्धनीता है, बिजली की सुचालक है, ध्वनियाँ पैदा करती हैं, चमकीली तन्य है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, तो ये आ सकती है। और उसके बाद में जो है अभिक्रिया, इस पार्ट में से आपकी आ सकती है, विस्थापन अभिक्रिया कर लेना इस पार्ट से, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें जो है एक शक्तिशाली धातु कमजोर धातु का शिकार कर लेती है, उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं जैसे Cu SO4, ठीक है, प्लस जिंक अगर हम इसके अंदर डालते हैं, विस्थापन अभिक्रिया जब होगी तो इसमें जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया आप याद रख लेना, और सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये, इसको याद रखने का, ठीक है, ये उदाहरण याद कर लेना, और विस्थापन अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, जरूर से याद कर लेना इस पार्ट से, ठीक है। तो बस यही था इस पार्ट में। तो देखो दो चीजें करनी है इस पार्ट से, एक तो धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, या फिर बोले तो धातु की प्रॉपर्टीज, धातु की मतलब क्या क्या होती है, क्या क्या खास बातें होती है, आघात वर्धनीता, तन्यता, ध्वनि के, ठीक है, तार बनाए जा सकते हैं, वो सारे पता होने चाहिए आपको। 3 4 5 ही है बस, 5 या 6 ही है, ज़्यादा नहीं है, और छोटे छोटे हैं, अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को, विस्थापन अभिक्रिया वाले को स्किप मत करना, काम का है, और 2 नंबर में आता है, लगभग चांस रहेंगे अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है आपका। अब 5वें प्रश्न पे आ जाओ, कोयला और पेट्रोलियम, इसके बारे में जानते हैं, और इसमें जो है आपका आएगा, तो कोयले में से जो है यहाँ पे हमारे पास में आ सकता है क्या, देखते हैं एक बार,
तो बहुत ही छोटा सा है। और यहाँ पे बात आएगी सीएनजी और एलपीजी को लेके, क्वेश्चन आएगा सीएनजी और एलपीजी में क्या अंतर होता है, ठीक है, इतना ही आएगा। सीएनजी क्या होती है, ये वाहनों में इस्तेमाल की जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको बोलते हैं, और ये वाहनों में इस्तेमाल होती है। वहीं पे एलपीजी जो है सिलेंडर, और ये खाना पकाने में ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इतना सा फर्क होता है मतलब एलपीजी और सीएनजी के अंदर। तो इन दोनों इसको जो है इसको याद कर लेना, इन पॉइंट्स को जो मैंने अभी अभी बताए हैं, ठीक है। एलपीजी और सीएनजी को घुमा फिरा के कई बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो अभी छठे पाठ में आ जाओ, दहन और ज्वाला आग के बारे में है। इसमें से मोमबत्ती का डायग्राम, मोमबत्ती का रेखा चित्र अच्छे से याद कर लेना, आता है इसीलिए। तो उसके बाद में जो है इस पार्ट से अगर और देखते हैं तो और क्या क्या आ सकता है, आपका मेन तो है मोमबत्ती का डायग्राम, और उसके बाद में जो है आपका ज्यादातर यही आएगा बस, ठीक है। इस पार्ट से बस यही कर लेना आप, मोमबत्ती का डायग्राम कर लेना। अगर आप चाहते हो इसमें से कुछ भी ना छोड़ पाओ तो आप जो है दहन के प्रकार कर लेना, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट, ठीक है, दो तीन मिलते हैं। तीव्र दहन जो तेजी से जल जाता है, स्वतः दहन जो अपने आप ही जल जाता है, उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, विस्फोट जो अपने आप मतलब फट जाता है गर्म होने पर, वो चीजें। मोमबत्ती का कर लेना, मोमबत्ती के तीन हिस्से होते हैं, नीला, पीला मतलब लाल सा, और उसके बाद में पीला, और बिल्कुल आखिरी में होता है काला हिस्सा, ठीक है। पीले को आप स्किप कर सकते हो, तीन हिस्सों को याद रखना, नीला, लाल और काला। काले वाले में गर्मी सबसे कम होती है, लाल वाले में ठीक ठाक गर्मी होती है, और नीले वाले में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ये रंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है आपको। तो इसको कर लेना अच्छे से, फोटो वगैरह जो भी चीज़ें आ रही हैं वो साइड में दिखा भी रहा हूँ मैं फोटो की मदद से, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके वो चीज़। अब सातवें पाठ पे आ जाओ, और सातवें में आ सकता है आपका जो है, सातवें में आ सकता है क्या, आ सकता है आपका सातवें में, तो यहाँ पे सातवें में जो है आप अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में से कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर देखो, दूसरा प्रश्न कर लेना, पूरे का पूरा दूसरा प्रश्न, इसमें से कुछ भी आ सकता है दूसरे प्रश्न में से। वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित में क्या अंतर होता है, चिड़ियाघर अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज में क्या अंतर होता है, ठीक है, और वनस्पति जात प्राणी जात इनमें क्या अंतर होता है, ये कर लेना। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अभ्यास का, दूसरा प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना इस पाठ से, बस इसमें से इसी को कर लेना। अब आठवें पाठ के ऊपर आ जाओ, आठवां पाठ कोशिका संरचना एवं प्रकार्य है। तो यहाँ पे आता है आपके पास में जो है कोशिका के अंदर जो है आप देखोगे तो कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर तो आपको पता ही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और ये जो है दो थोड़ी सी कभी कभार डेफिनेशन पूछी जाती है, आरबीसी लाल रक्त कणिका कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, वैसे ही डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कोशिकाएं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ऐसे हो सकता है आपका। और उसके अलावा जो है यहाँ पे न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे मेन चीज आती है कोशिका के भाग, ठीक है, इस पार्ट से सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी कोशिका के भाग, जो कि ज्यादा नंबर में आता है, तीन, दो या तीन नंबर में आएगा, एक नंबर में आएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ऐसे पूछ सकते हैं बस आपसे जस्ट। लेकिन अगर दो या तीन नंबर में आता है तो कोशिका के भाग पूछे जाएंगे, कोशिका के भाग में आपको पता होना चाहिए, मतलब उसका पूरा रेखा चित्र बनाने को बोला जाएगा आपसे। पांच नंबर तक में आ सकता है ये क्वेश्चन, अगर आता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड में इस पार्ट से कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसमें से पूरा डायग्राम भी पूछ सकते हैं, पूरा डायग्राम बनाना कोई हार्ड चीज नहीं है, साइड में फोटो भी देख सकते हो, लेकिन बनाने के लिए आपको बस यहाँ पे ऐसे जो है कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। ये केंद्रक होता है, ये हमारा जो है यहाँ पे क्या होता है आप बता देख ही सकते हो। उसके बाद में आप बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, पेड़ों के अंदर कोशिका भित्ति होती है और जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है, ये चीज तो है अपनी। और यहाँ पे ये वाला होता है आपका कोशिका द्रव्य, और इसमें आखिर में इस पार्ट के अंदर आता है जंतु की कोशिका और पेड़ की कोशिका में क्या अंतर होता है। देखो ये वाला और वो वाले में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, वो वाले में अगर वो वाला कर लोगे तो ये वाले छोड़ देना, ठीक है, ये वाला कर लोगे तो वो वाला छोड़ देना, क्योंकि दोनों में सेम सी चीज होती है, ठीक है। अच्छे से अगर तैयार करते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पौधे वाला पौधा और जंतु जो है मतलब उसकी कोशिका के बीच में क्या अंतर होता है उसको कर लेना, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो उस वाले को जरूर से कर लेना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर होता है। बस अंतर क्या होता है, सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि
पेड़ के अंदर प्लास्टिड और कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर ये होता है। नौवें पाठ पे आ जाओ, जनन। ठीक है ना, जनन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मानव में नर जनन और मादा जनन, ठीक है, उसको पूछा जा सकता है आपसे, मतलब डायग्राम बनाना आ सकता है नर या मादा में से किसी का भी। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे आगे देखते हैं तो आगे जो है निषेचन पूछा जाता है। निषेचन अगर एक या दो नंबर की कोई आता है पर्सन तो निषेचन जरूर आएगा आपका। निषेचन, निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य निषेचन। निषेचन के अंदर क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को, पूरी जो प्रक्रिया होती है और जो युग्मक बनता है उस पूरी प्रक्रिया को हम निषेचन बोलते हैं, तो उसको जरूर से कर लेना इस पार्ट से। यहाँ पर अगर आप आगे आते हो, यहाँ पे आपसे मेंढक का जनन भी पूछा जा सकता है। ये वैसे आपको बता दूँ, इस पार्ट को अच्छे से कर लेना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा है और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है प्रश्नों के। मेंढक का डायग्राम कर लेना, ठीक है, उसके बाद में डायग्राम करने हैं, रेखा चित्र आपको जरूर से करने हैं इसमें जितने हो सके आपसे। अमीबा का तो मैंने समझा दिया था, बहुत आसान होता है अमीबा का। अमीबा का रेखा चित्र अलैंगिक जनन में आएगा, मेंढक का चित्र बाह्य जो है बाह्य निषेचन में आ जाएगा, और उसके बाद में आप देखोगे तो वो जो हमारे नर और मादा का जो रेखा चित्र है वो, तो वो जननांग का वो वाला भी आप कर लेना, वो सारे डायग्राम आपको आने चाहिए बनाने। मेंढक वाला भी कर लेना, मेंढक वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ज़्यादा उनके कंपेयर में, जो इंसानों के है ना, इंसानों वाले को छोड़ के मेंढक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमीबा वाले के चांसेस रहने वाले हैं। सो ये कर लेना, इस पार्ट को मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लेना। कहीं कोई डाउट है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नोवा पार्ट करवा रखा है, उसको जाके आप देख लेना पूरा, अच्छे से समझ लेना पार्ट को, आप भूलोगे नहीं, मेरा वादा है। अगर डाउट है तो देख लेना। बस यही था वीडियो में, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो, इसका जो है भाग दो आ चुका है, और उस भाग दो के अंदर आपको जो है बाकी के जो है 9 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, 10वें से लेके 18वें तक के, तो उस वीडियो को भी देख लेना, और उम्मीद है आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।